बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं सिंपल टमाटो केचप, जिसके लिए लिया है 1.5 किलो टमाटर हमने लिए हैं। इनको लेके हमने पानी में डाल दिया है साफ सुथरे। अभी हम इसे 5 मिनट तक सिर्फ बॉईल करेंगे। एक कटोरी प्याज हमने लेके इसको मोटा मोटा काट लिया है। आधी कटोरी लहसुन, 2 पोती लहसुन हमने लेके इसको छील लिया है। ये साबुत लहसुन हमने लिया है। 2 टीस्पून नमक हमने लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्चें हमने ली हैं। 5 टेबल स्पून हमने चीनी ली है और 2 टेबल स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। एक बार फिर से सभी चीज़ें नोट कर लीजिए। ये केचप हम आपको अभी के अभी बनाना सिखाते हैं और बहुत ही इजी इसका तरीका हम आपको बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले टमाटरों को हम बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रखेंगे। 5 मिनट तक हम टमाटरों को बॉयल करेंगे, गरम होने देंगे पानी को, और 5 मिनट बाद हम इन्हें सबसे पहले छील लेंगे। उसके बाद आपको जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे, इसकी तैयारी करके दिखाते जाएंगे। पानी आप हमारा देख सकते हैं हल्का हल्का सा ये बॉयल होने लगा है। 5 मिनट तक अब हम इसे और टमाटरों को इस बॉयल पानी में पकाएंगे। उसके बाद हम इसका केचप बनाना स्टार्ट करेंगे। जिस जिस टमाटर का हमारे छिलका फट के उतरने लगा है वो हम बॉयल पानी में से निकालते जाएंगे, और जिनका छिलका अभी साबुत है उन्हें हम पानी में रखा रहने देंगे। इस तरीके से गरम टमाटर का हम छिलका उतारेंगे। 5 मिनट तक हमने इन्हें बॉईल किया था, सारे ही टमाटरों को इस तरीके से हम छील लेंगे, और छीलने के बाद आगे की तैयारी करके आपको दिखाते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि टमाटरों को आप गरम गरम ही छीलें, ठंडा करके भी इसे आप छील सकते हैं। सारे ही टमाटरों का छिलका हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से उतार लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर के जग में डालेंगे। ये देखिए, जग के अंदर हमने डाल दिए हैं। ये हम जूस के जग का इस्तेमाल कर रहे हैं केचप बनाने के लिए। मसाले का जग हमने नहीं लिया है, चीनी का जग लिया है हमने। अब हम इसे पीस के आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और लहसुन डालेंगे। इसके बाद इसको ढक के अच्छे तरीके से ग्लेंडर करेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना। आधी कटोरी सिरका भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि सिरके से हर चीज़ महफूज रहती है। अगर ये केचप आप एक से डेढ़ दो महीने तक के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका केचप बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए हम ये टमाटर केचप बनाने के लिए इसके अंदर 4 चमचे खाने के हमने सिरका लिया है। 4 टेबल स्पून सिरका हमने लिया है। आधी कटोरी सिरका है, ये देख लीजिए। 1.5 किलो टमाटर हमने लिए हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें हमने ली हैं। 4 टेबल स्पून हमने चीनी ली है। अच्छी तरीके से प्याज लहसुन और टमाटरों का हमारे मिक्सचर बन चुका है। अब हम इसे पतीली में डालेंगे। अब हम इसके अंदर अपना ये टमाटो केचप इसमें डाल देंगे पतीली के अंदर, और इसको हमने हल्के से चूल्हे पे रख दिया है। और टमाटरों का केचप भी बना के हम इसी में डालेंगे, इसको पीस के ग्लेंडर करके। उसके बाद आपको एक एक चीज़ की डिटेल बताते जाएंगे। सारे ही टमाटरों को ग्लेंडर हमने कर लिया है, पतीली में डाल दिया है। 5 मिनट तक इसको तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे, और उसके बाद हम इसका चूल्हा आधे से आधा करके इसको स्लो चूल्हे पे पकाएंगे। लेकिन हम इसको 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, इसको हमने चलाते रहना है ताकि किसी भी तरह ये लग ना सके। 5 मिनट तक तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे, उसके बाद इसका चूल्हा स्लो करेंगे। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे।
अगर आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरल कलर चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। हमने क्योंकि फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, हमेशा हर जगह अच्छे फूड कलर नहीं होते हैं, इसलिए बेहतर है कि नेचुरल कलर ही रहने दिया जाए। अगर आपके पास अच्छा वाला फूड कलर है तो आप उसमें डाल सकते हैं, वरना इसका नेचुरल कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। 5 मिनट हो चुके हैं इनको तेज़ तेज़ पकते हुए। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे और लाल पीसी मिर्ची शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसे हल्के आधे से आधे चूल्हे पे स्लो स्लो पकाएंगे। कलर आप इसमें चाहें तो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर नेचुरल ही कलर रहने दें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं, इसलिए आप घर में केचप बना लीजिए। हम आपको आसान से आसान तरीका बता रहे हैं ताकि आप घर में टमाटो केचप बना सकें। और अभी हम इसके अंदर काली मिर्चें भी शामिल कर देंगे और फिर हम इसे सिर्फ 15 मिनट तक हल्के चूल्हे पे आधे से आधे चूल्हे पे पकाएंगे और इसे हमें मुसलसल चलाते रहना है। 1 सेकंड के लिए भी इसको चलाना बंद नहीं करना है। केचप हो चुका है हमारा बिल्कुल रेडी। अब हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे, बिल्कुल हल्के से मामूली से चूल्हे पे हमने इसको गाढ़ा किया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके डालेंगे। 2 मिनट तक सिरका डालने के बाद हम इसे फिर से तेज चूल्हे पे पकाएंगे और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर पानी में मिक्स करके डालेंगे। लेकिन आपने केचप को मुसलसल चलाते रहना है और 1 मिनट के लिए भी अपना हाथ नहीं रोकना है। इससे आपकी केचप में सॉफ्टनेस आ जाएगी और ये बिल्कुल बाजार वाला लुक भी देगा और जायका भी। हो चुका है घर का बिल्कुल साफ सुथरा केचप तैयार। 2 मिनट तक इसे सिर्फ हम और पकाएंगे हल्के चूल्हे पे, उसके बाद निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना हमारा घर का केचप। केचप हो चुका है हमारा बिल्कुल रेडी। अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना। ये देखिए, हो चुका है टमाटो केचप हमारा बिल्कुल रेडी। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती, कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिए।